पूर्णिया में दुश्मनी किस बात से कि पूर्णिया की जनता पर आज तक, ये पूर्णिया है मधेपुरा नहीं है, पूर्णिया की जनता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम मरे या जिए हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको मानते हैं, और जब भी राजनीति में आपकी मदद की बात आएगी तो मैं करूंगा। लेकिन इतना नफरत पप्पू यादव से क्यों, किस बात को लेकर? राजनीति में नफरत तो नहीं देखी गई है? कौन सी दुश्मनी आप निकाल रहे हैं? ये 24 है, बगल में आपके राज्यसभा के एमपी कल नॉमिनेशन देने जा रहे हैं तारिक अनवर के खिलाफ, यही सेक्युलरिज्म है? आप क्यों नहीं गए आज? इसीलिए कि कल राज्यसभा के एमपी वहां पर नॉमिनेशन दे रहे हैं। आपने कहा यही सेक्युलरिज्म है? आप किससे लड़ रहे हैं? आप देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि देश को बेचने के लिए लड़ रहे हैं? हम आपसे एक सीट ने हम मांगा था और हमने यह कह दिया कि आपको कांग्रेस में आधी तकलीफ है तो मैं आपके साथ आ रहा हूं, आप हमको पूर्णिया दे दो, बस। तब भी नहीं, चार बार हम सांसद हैं ना यहां, दो बार मधेपुरा, मां लड़ी कुछ वोट से हार गई। सुपौल भी ले लिए, पूर्णिया भी ले लिए, मधेपुरा भी ले लिए, अररिया भी ले लिए, मतलब कहीं से पप्पू यादव को कांग्रेस को टिकट देने का मौका नहीं मिले। और उसके बाद आप कह रहे हैं मधेपुरा लड़िए और आरजेडी के, मतलब आप कांग्रेस को भी पप्पू यादव छोड़ दे। सर मैं लड़ूं या पूर्णिया की खुशी के लिए वो अलग बात है, अर्थी उठेगी पूर्णिया से और निपटेगा कांग्रेस के झंडा में। अब दुनिया सोचे कि इनको किसी से तकलीफ नहीं है, इन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी सब लोग अच्छे हैं, सिर्फ पप्पू यादव इनके लिए खराब हो गया। सब अच्छे, पप्पू यादव अच्छे नहीं। सर कल आप क्या नॉमिनेशन भरेंगे? भैया मैंने आपको कब भी कहा कि मैं इंतजार किया, 2 तारीख को नॉमिनेशन डेट बढ़ाया, हमको लगा लालू यादव जी बड़े बेटे के तहत आशीर्वाद देंगे, और जब उसने सामने में आकर के पहला नामांकन करने ही आए पप्पू यादव के खिलाफ, और मंच पर आकर के जो मन में सो बोलते हैं, मेरे पास रास्ता अपने मां के आंचल के लाभे बचता क्या है, मरता क्या नहीं करता, लव एंड वार एवरीथिंग इज फेयर।